अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग हेयर एट डोलवाली। रात को हमें पंचतारी पहुंचना था लेकिन अंधेरा पड़ गया, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, हम लोग ऊपर नहीं जा पाए। मैं आपको बताऊं, हमें सिर्फ वहां ऊपर जाना था बट नहीं जा पाए बिकॉज़ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था एंड यहाँ के डॉग्स जो हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि हम यहाँ रुकेंगे और ये जो जगह है इस घर के छत पे हम लोगों ने टेंट लगाया अपना। और ये लोग काफ़ी कोऑपरेटिव थे, इन लोगों ने हमें मतलब चाय पिलाई बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी चाय की, क्योंकि हम सभी एग्जॉस्ट हो चुके थे। लास्ट नाइट का डिनर भी इन लोगों ने ही करवाया जो कि मक्की की रोटी एंड लस्सी थी। तो अभी 6 बजे हैं मॉर्निंग के, अभी जो है सनराइज़ जो है हल्का हल्का होने लगा है। यही प्यारी चीज़ है माउंटेन्स की, यहाँ सनराइज़ भी जल्दी होता है और सनसेट बहुत लेट होता है। हम निकल रहे हैं पंचतारी के लिए, लड़के पैकिंग कर रहे हैं एंड पंचतारी जो है बहुत ब्यूटीफुल जगह है। About to reach at the top. बस ये स्ट्रेच रह गए, इसके बाद हम ऊपर पहुंच जाएंगे। को इंजरी आ गई है, बर्फ जो है वो पिघली हुई है इसलिए हम बर्फ के ऊपर से जाना प्रेफर नहीं कर रहे, हम इसके साइड से जाके हाइट से निकल जाएंगे। एडवेंचर करो लेकिन सेफ्टी को प्रायोरिटी दो। सम स्टेप्स अवे फ्रॉम पंचतारी, भाई साहब Wait. Here is my story. Finally. Oh, bhai sahab, bhai sahab. This is so beautiful. Wow, man. तो गाइस सुबह हम 8 बजे पंचतारी पहुंचे थे, उसके बाद 2 घंटे हमने रेस्ट किया है। हम पंचतारी से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अब सरोटा की तरफ। अगर बारिश ठीक रही, मतलब बारिश ना हुई तो हम सरोटा पहुंच जाएंगे, नहीं तो हम कहीं गुम गद्दी वाली साइड जो है या खुआ वाली साइड कैंप करेंगे। हेलो सर, यासिन मलिक। अरे वाह, अरे देखो आपका देखा मैंने व्लॉग जो आपके साथ हुआ था कि नंदा सर जमी हुई थी, वही हुआ आपके साथ। एक बड़ा कीजिए ना, मैं इन्हें वीडियो देखी। हाँ, ये ट्रैकर्स हमें मिले यहाँ पे। एंड आप कब निकले थे सर? हम निकले थे परसों, कल हमारा डे टू था। अच्छा, परसों डे वन हम काफर कट्ठा में रुके थे। ठीक काफर कट्ठा से हम आए यहाँ पे कुआं टोक। अच्छा कुआं रुके, कल हमने सामान वहाँ रुका, नहीं रुके नहीं सामान रखा और फिर लेक्स के लिए निकल गए। ओके, फिर एक दिन मैं देखे कल रात को ही वापस आ गए। कैसा रहा ट्रैक, कैसा रहा? सही है, बड़ा अच्छा है। क्या हाल है? ठीक है आप? और कहाँ से आ भैया? फिलहाल से। अच्छा, इस रास्ते से आ रहे हैं।
तो गाइज आज हमने अपना कैंप लगाया है कुआं में, और गुम गद्दी और सरोटा जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि मौसम ख़राब है। इसलिए हमने यहीं पे सेट कर दिया सब कुछ, खाना वाना तैयार होता है और हम अभी फ़िलहाल सामान वगैरह एडजस्ट करते हैं बीच में। भाई सुसु कर देगा, सुसु कर देगा ऊपर ऊपर। सनसेट देखना है उनको, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ब्याड़ में, और ब्याड़ बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं सोच रहा था पंचतारी खूबसूरत है, बट ब्याड़ पंचतारी से ज्यादा खूबसूरत है। और हम लोगों ने शाम को स्टार्ट किया था ब्याड़ के लिए, एंड नाउ वी आर हियर। अब हम यहाँ पे कोई अच्छी सी जगह देखते हैं, वहाँ पे अपना कैंप सेट करते हैं, एंड उसके बाद जो है सनसेट वगैरह जो है शूट करने के लिए निकलेंगे। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल, मतलब चेहरे की मुस्कान से लग रहा होगा कितनी खूबसूरत है ब्याड़। Guys, check this view. तो गाइज मैं अभी ब्याड़ में हूँ एंड सनसेट शूट करने आया हूँ। बहुत प्यारा सनसेट निकल के आया है, लेकिन थोड़ी फॉग ना परेशानी कर रही है। आज हमारा फोर्थ डे है, सुबह हम शकरमर्ग से होते हुए घर जाएंगे और हमारा ये पूरा चक्कर जो है ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये वाला ट्रिप मेरे लिए थोड़ा हैक्टिक था क्योंकि मैं डे फर्स्ट को ही बीमार पड़ गया, मेरे को चेस्ट पे कंजेशन हो गया था। उसके बाद डे सेकेंड को हमें रुकना पड़ा मेरी वजह से। इवन टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, एंड नेक्स्ट टाइम फुल एनर्जी से करेंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल ये है कि यही है जो अपने से बन पाया हमने किया, एंड ये बहुत प्यारा ट्रैक है। हर ट्रैकर को ये वाला ट्रैक ज़रूर करना चाहिए, बहुत प्यारी जगह है। आप राजौरी से स्टार्ट करो, पुंछ तक जाओ, पुंछ से स्टार्ट करो या राजौरी से जाओ, सेम चीज़। लेकिन ये बहुत प्यारा ट्रैक है, ट्रस्ट मी, एंड इतनी प्यारी प्यारी जगहें हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। आप आएँ यहाँ पे, कंटेंट बनाएं एंड लोगों को दिखाएं, एंड सीरियसली मतलब मैं हर साल यहाँ आता हूँ और जब वापस जाता हूँ जाने का मन नहीं करता है। एंड इवन आप लोग जब आओगे यहाँ पे जाने का आपको भी मन नहीं करेगा, इतनी प्यारी जगह है। सो व्हाट एल्स, do like, subscribe and share.